जैसे कि टेलर में आपने देखा है, टेलर में आप लोगों ने जो देखा है वो कि शादी के दिन एक लड़की का किडनैप हो जाता है, शादी की रात यहाँ दूल्हा मंडप में बैठा है और वहाँ पर किडनैप हो जाता है, और किडनैप होने के बाद घर वाले को एक फिरौती का फ़ोन भी आता है भैया जी करके कि 5 करोड़ रुपए चाहिए। साइमेंटेनिकली 10 मिनट के बाद लड़की की बहन घर में से एक खत लेके आती जिसमें लड़की ने खुद लिखा है कि मैं भाग के जा रही हूँ, तो पूरा माहौल कन्फ्यूज में हो जाता है कि लड़की भागी है कि किडनैप हुई है। यही से जो जर्नी स्टार्ट होती है वो एंड तक आपको कन्फ्यूज करके रखेगी, और प्यार भरा, मतलब मैं कहूँगा कि इस साल की सबसे रोमांटिक, ड्रामेटिकल और कन्फ्यूज करने वाली, सिनेमाटोग्राफिक वाली शादी है। इंद्र काला जी का भी किरदार काफी अच्छा है, तो उनको कास्ट करने का डिसीजन किसका था और कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने? विजेंद्र काला जी के परफॉर्मेंस से मैं शुरू से बहुत प्रभावित हूँ, और जब ये रोल लिख रहा था तभी मेरे दिमाग में एज ए राइटर होने के साथ वजह से मैं लिखते हुए ये क्लियर था कि मैं इसमें विजेंद्र जी को लूँगा, और विजेंद्र जी को कहानी सुनाई, उनको बहुत पसंद आई, सब्जेक्ट उन्होंने सुना, डायलॉग सुने, और उन्होंने जिस तरह से उसको प्ले किया है अनबिलीवेबल। मतलब मुझे लगता है विजेंद्र जी के करियर में इतना इम्पोर्टेंट रोल फिल्म में उन्होंने कभी नहीं किया, जो एक लड़की के बाप और किरदार एकदम बहुत जरूरी किरदार है फिल्म का। शांतनु जी कुछ अपने बारे में बताइए, इसके पहले आपने कौन कौन सी फिल्में बनाई? माझी शाळा और यारी दोस्ती मराठी की फिल्में दो की थी, और उसके बाद भूतवाली लव स्टोरी, और ये मेरी चौथी फिल्म है। आप फिल्म का टाइटल में गन वाली दुल्हनिया लिखे हैं, लेकिन कई बार ऐसा पढ़ने में कंफ्यूज हो रहा है कि गुन वाली दुल्हनिया लग रहा है। गन वाली, गन की स्पेलिंग GUN गनी, वो इंग्लिश का प्रॉब्लम है मेरा नहीं सर, हिंदी में तो मैंने गन ही लिखा है। अपनी प्रोडक्शन टीम के बारे में बताइए, आपकी पहली प्रोडक्शन है हिंदी में या इसके पहले भी आप लोग बना चुके हैं, क्या कौन कौन है आपके साथ? नहीं, ये जो चार फिल्में जो मैंने की मेरे बैनर पे ही की है, हम किसी का सपोर्ट नहीं लेते कभी भी मेकिंग के वक्त, रिलीज में भले कोई पार्टनर रह जाए लेकिन इसमें रिलीज में भी हमारे साथ कोई नहीं है। बुद्धा एंटरटेनमेंट्स और KS मीडिया हमारा एक सिस्टर कंसल्ट कंपनी है जो हम लोग साथ में ही कर रहे हैं। एक आखिरी बहुत कठिन सवाल है कि आज के ज़माने में लोग मल्टी स्टार फिल्मों में जाते हैं, हाँ लोग एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, और आप जैसा बता रहे हैं कि विदाउट एनी हेल्प आप खुद फिल्म बनाते हैं, खुद रिलीज करते हैं, तो आपने इतना बड़ा रिस्क उठाया, क्या सोच के रिस्क उठाया कि आप इसमें सक्सेस होंगे या आपको तकलीफें आएंगी रास्ते में, या कि आपको स्टोरी पर सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा विश्वास था? नहीं, मैंने अभी थोड़ा सा पीछे जाऊंगा और समय भी लूंगा, मैंने मेरा करियर एज ए स्टूडियो लाइटमैन शुरू किया था फिल्मिस्तान से, और ये बात है कम 25 से 28 साल पहले की, तो वहाँ से यहाँ तक की जर्नी आप भी सोच सकते हो, पत्रकार हो, फिल्म इंडस्ट्री भी ऐसी ग्रोथ हुई है, तो वो सारा चीज़ें मैंने देखी हुई है कि नॉन स्टार कास्ट, स्टार कास्ट, जो लोग पहले 10 लाख में काम करते या 10 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं, 40 लाख में बनने वाली फिल्में 40 करोड़ तक जा रही है, तो वो जोनर देख चुका हूँ। और जब, क्योंकि मैंने अपने आप को अभी तक एज ए डायरेक्टर एस्टेब्लिश नहीं किया है, तो मैं अगर किसी बड़े आर्टिस्ट के पास अप्रोच होता हूँ तो पता नहीं 6-7 साल का टाइम लेकर वो फिल्म मेरे साथ करेगा कि नहीं, उसके लिए मैं नया हूँ, मेरे लिए ये नहीं है, तो किसी को ना किसी पे भरोसा करना पड़ेगा, तो मैं बेटर करता हूँ कि मैं नए ऊपर भरोसा करूँ, मेरे पे कोई नहीं कर रहा है लेकिन मैं नए ऊपर भरोसा करूँ ताकि प्रोजेक्ट बने, मुझे मेरे कहानियों पर जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री की कहानी है उससे ज़्यादा भरोसा रहता है। एज अ राइटर मेरा ओपन चैलेंज है, किसी भी बड़े राइटर के साथ मुझे बिठा दीजिए, उससे 19 कहानी नहीं लिख पाऊँगा, इसलिए प्रमोशन के वजह से या आर्टिस्ट के वजह से मेरी फिल्में सो चल रही है या नहीं चल रही, लेकिन एक समय आएगा जो मेरे ख्याल से अभी आ चुका है, सब्जेक्ट वाली फिल्में लोगों को काफ़ी पसंद है, तो होप सो गन वाली दुल्हनिया सब्जेक्ट वाली फिल्म है, और उस दौर में मैं थोड़ा सा अपने आप को प्रूव कर सकूँ। सेंसर बोर्ड से क्या एक्सपेक्ट करें, कौन सा सर्टिफिकेट एक्सपेक्ट करें? अरे यार, सेंसर बोर्ड बड़ा घटिया है, मतलब खुला क्या है, हमने फिल्म में, आपने ट्रेलर में एक डायलॉग देखा, माल हो तो मैं तुझे दे रही थी, इसमें क्या गलत है? वो एक रेफरेंस दे रहा है माल का, जो सोना चांदी है, कि तुम्हारे पास जो माल है वो लूटना चाहते हैं, तो सेंसर हमसे नट रहा है कि ये माल कैसे होगा, भाई सोना चांदी को आदमी माल ही बोलेगा ना, और वो उसको काउंटर कर रही है कि भाई माल वो तो मैं तुझे दे रही थी, नहीं उनको ऑब्जेक्शन है, लड़की क्यों माल बोलेगी, जबकि लुका छुपे में, ये छाप देना आप, जरूर छाप देना, लुका छुपे में पंकज त्रिपाठी जैसे बड़े आर्टिस्ट दरवाजे पे खड़े रह गए, उस आर्टिस्ट को खुला बोल रहे मुझे भी चाहिए, हमें भी चाहिए, क्या चाहिए, तो जो उसको दे रहे हो वो हमें भी चाहिए, ये कैसे पास होता है? क्योंकि वो बड़े आर्टिस्ट है, इसलिए ये कैसे पास हुआ, सेंसर बोर्ड इसका जवाब देना चाहिए, हम छोटे मेकर्स कब तक ये सब झेलेंगे? तो मैंने उस चीज के लिए फाइट किया, और लेकिन उससे भी एक माल म्यूट करवा ही लिया, अपने बात पे अड़ा रहा, एक माल म्यूट करवा लिया,
हमारे पास कोई ऑप्शन है ना, नहीं तो रिवाइज कमेटी, हम नहीं जा सकते ना इतना लंबा। बड़े लोगों को तो आँख बंद करके कुछ भी दे देते, अब वो कैसे देते, अंडर टेबल ऊपर टेबल, उनको ही मालूम है।